कल भी ये बात की, क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक फिल्म पे हम के एक या दो फिल्म बनने से हमें नुकसान होगा या हमारे मजहब पे कोई असर पड़ेगा। ये इन लोगों की एक सोची समझी साजिश है। जैसे जैसे मुल्क में पार्लियामेंट के इलेक्शन नजदीक आएंगे वैसे वैसे इनकी हरकतें और बढ़ेंगी, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा, इन साजिशों का अकलमंदी से हमें मुकाबला करना है और हमें कभी ये नहीं दिखाना है कि हम कहीं इन फिल्मों के बनने से या तो कमजोर हुए हैं या परेशान हुए हैं। इनको अपना झूठ फैलाने दीजिए, झूठ ना, असर नहीं होगा। मुझे बताइए ना, किस रियासत में ये कार्रवाई नहीं हुई है, किस रियासत में नहीं ना आप, या किस ऑपोजिशन पार्टी के साथ ये नहीं हुआ है। ये रहता है, ये हमारा यहाँ पे सियासत करने का हमसे जो कीमत ली जाती है ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और जहाँ तक उस मिनिस्टर के साथ जो उन्होंने बर्ताव किया और जिस तरह उसके साथ वो पेश आए उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। और आज जो अभी देखने को मिला कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुतल्लिक उनके तीन जो मेन आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हैं और उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, तो जिस तरह उनको धकेला जा रहा था और जो उसके साथ सलूक किया जा रहा था, शायद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और इन एजेंसियों को थोड़ा सा अपने बर्ताव पे सोचना चाहिए। सर, ट्विटर के सीईओ है, कल उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे किसान आंदोलन था तो उस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने हमें दबाव डाला है कि आप ट्विटर हैंडल को डाउन कर दीजिए, तो उन्होंने, हम क्या कह सकते हैं इसमें, वो बेहतर जाने, वो उस वक्त ट्विटर के सीईओ थे। अब उनकी लड़ाई चल रही है हमारे मिनिस्टर साहब के साथ, उन्होंने एक ट्वीट डाला तो मिनिस्टर साहब ने 10 ट्वीट जवाब में डाले। सच क्या है, झूठ क्या है, हमें नहीं पता ना। तो सर, अब इलेक्शन की अगर बात करें कि आपको लग रहा है कि आप इलेक्शन होंगे, क्योंकि आपको लग रहा है क्योंकि आपने कल भी बयान दिया था तो रक्षा ने पलटवार किया है, तो उमर साहब अब इतना बोल रहे हैं तो वो वेट करें इलेक्शन की, तो क्या कहें? क्यों वेट करूं? मैडम जी तो खुश होंगे, वो तो चाहती नहीं है इलेक्शन हो, क्योंकि उनकी पार्टी का सफाया होगा, उनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से। अब मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, वो दूसरी बात है, लेडी है, इज्जत करते हैं, लेकिन उनको बकवास नहीं करना चाहिए। हकीकत ये है कि अगर वो अपनी जगह मजबूत होते आज तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ होता। ये बीजेपी वाले क्यों इलेक्शन से दूर दौड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू में भी कश्मीर में भी वो हार का सामना करेंगे। अगर उनको हिम्मत है तो पार्लियामेंट इलेक्शन तो उन्होंने कराने ही कराने हैं, पार्लियामेंट के साथ असेंबली कराए, हम भी देखें। ऐसा मुझे वजह बताइए ना, ऐसा कैसे कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शन करा सकते हो असेंबली का नहीं करा सकते हो? आखिरकार दुनिया ये जानना चाहेगी, ये क्या खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कि आप पंचायत की भी तैयारी कर सकते हो, आप अर्बन लोकल बॉडीज की तैयारी कर सकते हो, आप डीडीसी की तैयारी कर सकते हो, आप पार्लियामेंट की तैयारी कर सकते हो, लेकिन आप असेंबली की तैयारी नहीं कर सकते? क्योंकि ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया जो यहाँ बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, इनका एड्रेस नहीं मिलेगा यहाँ पे, तभी तो ये इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। आप मानते हैं कि वो डर रहे हैं? और नहीं तो क्या, नहीं डर रहे तो इलेक्शन होते ना? इन लोगों को बिना इलेक्शन के इख्तदार मिला है, यही हमारी बदकिस्मती है। ये लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं बिना किसी इलेक्शन के। इलेक्शन होने दीजिए, फिर मैं देखता हूँ ये क्या करते हैं।